चलिए आज बना लेते हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक या फ्रूट केक। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप जितना डालना चाहो। और साथ ही हम लेंगे ऑरेंज जूस, और यहाँ मैंने 1.5 कप लिया है ऑरेंज जूस। इसमें डाल देंगे हम अपने सारे ड्राई फ्रूट, जैसे हैं ये खजूर जो कि मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून, और इनके काट के मैंने बीज अलग कर दिए हैं। साथ ही ले लिए 2 टेबल स्पून बादाम जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ले लिया है पिस्ता, 1.5 टेबल स्पून के करीब है ये। और साथ ही ले लिए है मैंने काजू, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है, काजू थोड़े कम डाले हैं। ये है एप्रिकॉट, ये भी मैंने बीज निकाल के 2 टेबल स्पून ले लिए हैं। और साथ में हम ले लेंगे ये मेलन सीड्स, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट कर सकते हैं। और ये टूटी फ्रूटी, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और साथ में हम बाकी जो काले किशमिश और गोल्डन किशमिश हैं ये डाल लेंगे। काले किशमिश में कई बार बीज होता है तो आप उसे एक बार चेक कर लें डालने से पहले। और ये मैंने ले लिए हैं 2 टेबल स्पून गोल्डन किशमिश, और ब्लैक किशमिश मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं ताकि केक में अच्छी तरह से दिखें। इनको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए, अगर इसमें बीज हो, ब्लैक किशमिश में कई बार बीज होते हैं, तो उन्हें आप थोड़ा सा चीरा लगा के निकाल दीजिए। अब मैं इन्हें भिगोकर 2 दिन के लिए रख दूंगी, और 2 दिन के बाद बनाऊंगी केक। उससे क्या होगा, हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अभी 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन बाद मैंने ले लिया है एक चौड़े तले का फ्राई पैन, और उसमें मैंने 3/4 कप शुगर जो है इस तरह से स्प्रेड कर दी है। और अब हमने इसे लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो हीट पे, बिना छुए बिना हिलाए उसे थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। जब मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसे थोड़ा सा इस तरह से हिला सकते हैं, और तब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि ये पूरी शुगर जो है हमारी पिघल ना जाए, और उसके बाद कैरमलाइज हो जाए। और इसका कलर जैसा आपको केक का कलर चाहिए उसके हिसाब से आप उतना इसे कैरमलाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसमें बर्न स्मेल आ जाएगी, जले की स्मेल आएगी। तो यहाँ मेरा शुगर जो है कैरमलाइज हो गया है, और उसके बाद जितनी हमने शुगर डाली है उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लेकिन जब पानी ऐड करेंगे तो एक साथ नहीं डालना है, शुरू में एक आध स्पून डाल के पीछे हट जाइए, बिल्कुल भी अपने आप को बचा के रखना है आपने इससे, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है और भूल के भी इसे टच ना करें। अब यहाँ शुगर हमारी अच्छी तरह से कैरमलाइज हो गई है, और मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें। ऐसा करने से शुगर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद आप इसमें बाकी का पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक साथ करेंगे तो शुगर जो है उछल के बाहर को आएगी, तो उससे जलने का डर रहता है। इसीलिए पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसे हिला लीजिए, उसके बाद ही बाकी पानी डालिए, और अपने आप को इससे बचा के रखिए, बहुत गर्म होता है ये। और उसके बाद कर लेते हैं हम अपने मोल्ड को तैयार, जिसमें हमने केक बेक करना है। तो मैंने ये टिन ले ली है, इसको मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ऐसा करने से बटर पेपर जो है वो आसानी से हमारे मोल्ड के साथ चिपका रहेगा। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल से इसको ब्रशिंग कर ली है। अब मैंने पेपर काट के रखा है, बटर पेपर, वो हम इसमें सेट कर देंगे। मैंने साइडों के लिए भी काटा है स्ट्रिप्स, उसको इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से लगा देंगे तो आसानी से चिपक जाएगा इसके साथ। और मैंने जो उसकी हाइट है हमारे मोल्ड की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि बैटर अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो बाहर को उछल के नहीं आएगा हमारा बैटर बेक होते हुए। और साथ में सेंटर में मैंने उसके रख दिया है बटर पेपर गोल काट के। और ये देखिए हमारे 2 दिन के बाद ड्राई फ्रूट इस तरह से हो गए हैं, बिल्कुल फूल गए हैं, और इनमें जूस जो है अच्छी तरह से रस गया है। और आप चाहें तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं, उसी टाइम आप ड्राई फ्रूट को जूसेस में एक बॉयल आने तक पका लीजिए, और उसको रूम टेम्परेचर पे आने पर उसको अपने बैटर में ऐड कर दीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कढ़ाई में कैसे करना है। उसके लिए मैंने ले लिया है एक हैवी तवा,
लोहे का, और उसके ऊपर एक पुरानी सी कढ़ाई रख लीजिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा उसमें, और एक स्टैंड रख के इस तरह से कवर कर दिए इससे प्री हीट होने के लिए। तो कढ़ाई जब तक प्री हीट होती है तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं, और उसके लिए मैंने ले लिया है 1/2 कप मेल्टेड बटर। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, और अगर आप बनाने के बाद फ्रिज वगैरह में रखना चाहते हैं जहाँ ठंड है तो ऑयल का ही इस्तेमाल बेटर रहेगा। यहाँ हमने लेना है 1/2 कप दूध, लेकिन मैंने 1/4 कप ही दूध लिया है अभी, कि अगर ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड किया जा सकता है। और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और साथ ही डाल देंगे हमने जो कैरमलाइज्ड शुगर सिरप बनाया था उसे। और ध्यान रखना है ये गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ जो है आपकी रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। यहाँ मैंने कैरमलाइज्ड जो सिरप बनाया था शुगर सिरप वो डाल दिया है, उसे भी हम कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद हम ले लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मसाले हम इसमें डालेंगे कुछ गरम। जैसे मैंने ले लिया है 7 लौंग, 1/4 टीस्पून जायफल, 1 टीस्पून ले ली सौंठ, और 1 टीस्पून ही मैंने ले लिए है दालचीनी। और हमारे जो लौंग हैं वो साबुत हैं, तो मैंने उनको इन सबको पाउडर फॉर्म में भी जो है मसाले उनको भी मिक्सी में डाल के लौंग के साथ पीस लिया है और इस तरह से पाउडर बना लिया है। और उसके साथ ले लिया है मैंने 1.5 कप मैदा, और साथ ही ले लेंगे हम 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, और हम इसे छान लेंगे। अभी मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, वो बिल्कुल लास्ट में हम जैसे ही बेक करने वाले होंगे उसी टाइम ऐड करेंगे। और अब हम इन्हें कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद हमें ज़रूरत होगी तो हम बाकी के जो दूध है वो भी डाल लेंगे। अभी इसमें ऑरेंज जूस भी हमने डालना है, तो उसी हिसाब से हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट डालने से पहले मैं कर लूँगी उसे स्ट्रेन। मैं जूस अलग कर लूँगी और ड्राई फ्रूट अलग कर लूँगी, क्योंकि जूस जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतना डालेंगे, और ड्राई फ्रूट जो है वो सारा ऐड कर देंगे पहले। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा जूस डालते हुए हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ मैंने सारा जूस ही डाल दिया है जितना भी हमने निकाला था, लेकिन इससे क्या है कि हमें थोड़ा सा ये डर नहीं रहता कि हमारा बैटर पतला ना हो जाए। और उसके बाद अभी भी गाढ़ा लग रहा है बैटर, तो जो हमने दूध 1/4 डाला था कप, 1/4 कप मैंने और डाल दिया है, मतलब टोटल मैंने 1/2 कप इसमें दूध डाल दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, जब हमने मसाले डाले थे उसके साथ ही। और चलिए ये हो गया है हमारा बैटर तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, ये मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा। इन दोनों को भी मैंने छान लिया है और मिक्स कर लेंगे इसके साथ, लेकिन उससे पहले हम बेकिंग पाउडर के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए, और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे बैटर के साथ। और केक टिन तो हमने इसीलिए पहले से ही तैयार करके रखा है, और हमने कढ़ाई को भी प्री हीट कर लिया है, क्योंकि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने बिल्कुल भी वेट नहीं करना होता है, तुरंत ही हमने इसे बेकिंग के लिए डालना होता है। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसमें बच गया था वो भी मैंने डाल दिया है, और इसे भी मैंने कर लिया है मिक्स। और अब हम इस बैटर को डाल देंगे अपने केक के मोल्ड में सारा का सारा, और इसे कर लेंगे टैप इस तरह से 2-3 बार, ताकि जो एयर बबल्स कोई रहना जाए। और ऊपर हम ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर लेंगे, तो उसके लिए मैदे में मैंने ड्राई फ्रूट को कोट कर लिया है और उसके बाद डाल दिया है।
लेकिन होता क्या है कि जैसे हम ओवन में इसको बेक करेंगे तो ये ड्राई फ्रूट तो रह जाएगा ऊपर, मोस्टली रह जाता है, कभी कभी अंदर चला जाता है बेक होते हुए, लेकिन कढ़ाई में मोस्टली ये अंदर ही चला जाता है जो हम ऊपर डालते हैं। तो वैसे में आप क्या कर सकते हैं, बाद में दोबारा से आधा घंटे के बाद जब हाफ डन हो जाएगा केक, तो आप दोबारा से इसे खोल के ऊपर से और गार्निश कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं अपनी कढ़ाई में, कढ़ाई नुमा ओवन में। तो यहाँ हमारा जो कढ़ाई है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है और अब मैंने इसको रख दिया है इसमें स्टैंड के ऊपर और इसको कवर कर देंगे और इसे बेक होने देंगे लगभग 40 से 45 मिनट तक। और ये टाइम जो है वेरी कर सकता है आपका, क्योंकि किसी की कढ़ाई पतली या मोटी हो सकती है और आग भी मतलब हीट जो है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट अंदर चला गया है, तो मैंने इसको फिर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट से दोबारा से जब हाफ डन हो गया है उसके बाद। और इसे हम दोबारा से बहुत जल्दी हमने करना है, बहुत टाइम इसको खुला नहीं रखना है, नहीं तो केक हमारा बेक सही से नहीं होगा। तो इस तरह से इसे हम दोबारा से कर देंगे। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे 180 डिग्री पे कर रहे हैं, तो 35 से 40 मिनट में आपका केक जो है बेक हो जाएगा। और अगर आप इसे 160 डिग्री पे करते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट के करीब लग सकता है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह से दोबारा से गार्निश करने के बाद हम इसे दोबारा से ढककर बेक होने देंगे जब तक कि हम केक जो है अच्छी तरह से बेक ना हो जाए। और उसमें हम अगर टूथपिक डाल के देखते हैं तो वो हमारी क्लीन आनी चाहिए। इसे हम दोबारा से ढक देंगे और पूरे अच्छी तरह से बेक होने तक इसे पका लेंगे। अब ये अच्छी तरह से बेक हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और किसी रैक पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे काटेंगे। तो यहाँ मैंने इसे रख दिया है और ठंडा होने के बाद ही हम इसे काटेंगे। ठंडा हो जाए तो मोल्ड से हम इसे निकाल लेंगे और किसी प्लेट में रख लेंगे और जो पेपर हमने बटर पेपर लगाया था उसे निकाल देंगे। और इसे ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में और नीचे वाला बटर पेपर भी निकाल देंगे। और ये देखिए कलर जो हमने कैरमलाइज शुगर डाला था उसकी वजह से कितना अच्छा आया है। और इसको बिल्कुल सीधा करके काट के आप सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई करिएगा, ओवन में बनाना चाहें ओवन में बनाइए, कढ़ाई में बनाना चाहे कढ़ाई में बनाइए। मैंने और भी केक की रेसिपीज शेयर की हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बाय बाय।